मैनू थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है इस वजह तो कि बुढ़ा साहब जड़े ने वो मेरे तो पहले गल कर चुके ने और मैं बाद में गल कर रहा हाँ। इस गल की थोड़ी जी मैं शर्मिंदगी महसूस हो रही है इस तरतीब की। वजह यह है कि मैं पंजाबी दे विच जो भी लिखिया पंजाबी वाले पासे आया वो बुढ़ा साहब की वजह तो। अज तो 20 साल पहले की गल है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी विच एमए कर रहा सहाफत विच ते मेरा एक दोस्त सी। मैं एक हॉस्टल विच रहना सा वो दूसरे हॉस्टल विच रहना सी। एक दिन उन्हें मैंने कहा कि आओ मेरे नाल हॉस्टल तक आओ फिर तू वापस आ जाए। मैं कहा ठीक है। मैं उस हॉस्टल च गया ते दरवाजे के उत्ते मैंने एक पंजाबी च तहरीर लिखी हुई नजर आई ते मैं बड़ा हैरान होया। मैं दरवाजा खटखटाया ते उत्थों बुढ़ा साहब निकले। ये मेरा पहला तारुफ सी बुढ़ा साहब नाल। ये उत्थे सुपरिटेंडेंट सन हॉस्टल ते पंजाबी दे उस्ताद पंजाब यूनिवर्सिटी सन। ते फिर इन्हां ने मैनूं पंजाबी लिखण दे लिखारियां दे बारे दस्या और फिर इहदे नाल नाल जिहड़े पंजाबी किताबां छापदे ने उहनां दे बारे। ते इस तरह मैं पंजाबी वाले पासे तुरिया ते मैनूं बड़ी खुशी महसूस हो रही है इत्थे आके। एक तो यह है कि मैं फ्रांसीसी जबान का उस्ताद हाँ। फ्रांस तो पीएचडी करके मैं अपना नवल दे विच पहले भी पढ़ा रहा सा। फिर मैं फ्रांस तो पीएचडी की फ्रांसीसी जबान विच फिर हुण मैं उत्थे पढ़ा रहा। खुशी इस गल दी है कि जिस जगह असीं बैठे हाँ इहदा जिहड़ा नाम है वो फ्रांसीसी जबान दे विच है ते उहदी मैनूं एक बड़ी खुशी हुई वेख के कि बड़ा सोहणा नाम इन्हां ने रख्या इस जगह का। ते वो मेजो नैत असीं ते उहनूं बोलांगे। मेजो का मतलब होंदा है घर ते मेजो नैत का मतलब छोटा घर। ते वो इत्थे उर्दू दे विच वी तुसीं देखिआ होगा मेजो नाइट लिखिआ होया है। बड़ा अजीब जिहा मैनूं लग्गिआ जदों मैं एड्रैस देखिआ कि किस जगह पहुँचणा है ते फिर मैं गूगल ते सर्च कीता ते फिर ये मेरा सामने नाम आया मेजो नैत। ते जिहड़ा तारुफ है हरियाणवी जबान का वो मैं बिल्कुल छोटा सा ते साडे इलाके दे विच हरियाणवी बोलण वाले मौजूद ने सरगोधे जिले दे विच ते असीं छोटे होंदे आ जाणा फुलरवान एक कस्बा है छोटा जिहा सरगोधे विच ते फुलरवान असीं जाणा ते उत्थे हरियाणवी सुणन नूं मिलनी शहर दे अंदर क्योंकि जिहड़ी जिहड़ी दुकान ते जाणा उत्थे लोकां ने आपस दे विच हरियाणवी विच गल्लां करदे होए सानूं मतलब मिलदे सन लोक। ये पहला तारफ सी जदों मैं दूसरी या तीसरी क्लास विच पढ़दा सां। लेकिन उदों पता नहीं सी कि 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 जबान है क्योंकि लोग खुद भी उतों के कहते सन माजरा की जबान अपनी जबान को खुद भी हरियाणवी बोलने वाले भी माजरा की जबान कहते सन। ते लेकिन यह कि वो बड़ी सोहनी लगनी जबान अपनी जबान तो हट के ओपरी वो जरा लफ्जा का उच्चारण से तलफ से वो भी बड़ा सोहना लगना। इतफाक की गल है कि इस साल 21 फरवरी तुसी जानते हो कि मादरी जबाना का आलमी दिन होंदा है ते मैं अकादमी अदबियात गया होया सां ते उत्ते हाल दे विच एक तकरीब चल रही सी। मैनूं किसी ने फोन किया कि इत्थे बाहर थले आओ किताबां दे स्टॉल ते आओ इत्थे तुहानूं कुछ शख्सियात दे नाल मिलाना है। ते वो मेरी पहली मुलाकात सी राणा जसवीर साहब नाल ते अख्तर मिर्जा साहब नाल। ते ये पहली मुलाकात जिहड़ी है वो इतनी शानदार हुई कि उस तो बाद साड़ियाँ कई कई मुलाकातां हो चुकियां ने। मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसां ते असीं इकट्ठे होना वर्कशॉपां ते इकट्ठे होना। फिर एक बारी एक मुलाकात दे विच मिर्जा साहब ने दस्या कि असीं हरियाणवी का कायदा तैयार कर रहे हैं। बल्कि इन्हां ने मैनूं कायदा दिखाया अपने लैपटॉप ते। मैनूं बड़ी खुशी हुई। फिर असीं कुछ चीज़ां साझियां कीतियां आपस दे विच इस सिलसिले दे विच। मैं भी एक पंजाबी दे कायदे ते काम कर रहा वा ते इस हवाले के नाल भी साड़ियाँ बहुत सारिया गल्लां सांझियां होईयां ते लेकिन मैनूं बड़ी खुशी है इस गल दी कि इन्हां ने बड़ी जल्दी इहनूं सामने लियांदा है। ये बड़ी खास गल है और मैं इन्हां नूं मुबारक पेश करदा इस हवाले के नाल कि हरियाणवी कम्यूनिटी जिहड़ी है उहदे वास्ते जिहड़ा ये काम कर रहे ने नूरा तनजीम दे तहत खास तौर ते इन्हां ने इस तनजीम ते जरिए एक रिसाला भी जरा शुरू किया। यदि कापी भी मैंने उत्थे मिली उन्होंने पढ़िया
फिर उस तो बाद इन्होंने कुछ तहरीर वैसे भी मैं भेजिया। कल मैं जो निकल रहा सा इस्लामाबाद तो अपने बच्चों मैं नानकियां वाल छड़िया तो मेरी सस ने पूछा कि तू लाहौर कितने जा रहा। मैं दस्या उत्थे एक हरियाणवी की कॉन्फ्रेंस है तो मैं क्या तुम हरियाणवी सुनी तो होनी है। उन्होंने कहा हाँ लेकिन मैं तू सुना बोल के। मैं क्या ठहरो मैं अपना मोबाइल खोलिया उहदे विच अख्तर मिर्जा साहब की एक तहरीर सी साइकिल वाली जो इस परचे दे विच छपी हुई है तो वह तहरीर मैं उन्होंने सुनाई बल्कि पूरी कहानी मैं उन्होंने सुनाई तो मैनू बड़ा खुद भी मज़ा आता है। पहले भी पढ़ चुकिया वा लेकिन बार बार पढ़ने के बड़ा मज़ा आता है उसके जो अल्फाज ने।